उसको भी छोड़ ही जाना है। अरे वो भाई देखो भाई जी आपसे तारे सामने एक छोटी सी मिसाल बताता हूँ बाबा जी। मैं थोड़ा सा फार्मूला बाबे वाली बात है मेरे, वो भाई वो करंट करे बात है। मैं बाबा जी मगर बाबा यह बात कहता तो मैं कोशिश करी, मैं मेरे रिश्तेदारी जो लगभग जितने सारे को कह कही 15 दिन 20 दिन महीना पहला कह कही ये कोई बंदा रुसिया तो मगर उनको आए कि ना मना उड़ाऊँ। और जो बंदे मेरे इधर आए भी गए वो मेरे सिरे के ताज है, माँ बाप है, भाई बहन है, असली रिश्तेदार मेरे वो है। तो यह करते करते बाबा ऐसा काम करया को रुसिया ही कोई। पहला ब्याह था मेरे मतलब हमारे घर वाले परिवार का, तो यकीन मानो को बंदा रुसिया ही कोई। वो सारे जितने आए भी सारे चाल रुस्ता तो वो भाई मना भाई भाई मना दे क्या इधर ही होती है नहीं कर आधार कोई ले ली तुमने लिया हमें तो प्रसाद लिया प्रसाद ले लियो तेरे नाल ना ले लियो प्रसाद ना लिया प्रसाद लियो भाई ये देखने वाले मना दो दिन का ਬੱਦ ਲਗਾ ਮੁੜੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੱਦ ਲਗਾ ਦੀ ਪਿਛਾ ਸਿਰ ਪਰ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਮੁਰਦਾ ਬੰਦ ਇੱਧਰ ਪਿਆ ਲਾਸ਼ ਆਰੇ ਮੁਫੰਨਾ ਬਣਾ ਲਿਓ ਉੱਧਰ ਗਏ ਤੂੰ ਆ ਮਨ ਤੂੰ ਆ ਕੀ ਤੇਰੀ ਕਾਂਦ ਮੇਰੀ ਕਾਂਦ ਫਲਾਣੀ ਬਾਤ ਦੀਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰਾ ਕੇ ਵਾਗਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਢੀ ਲੈਤੇ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੁੜਵਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁੜਵਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮੁਰਦਾ ਦੀ ਨਾ ਇਹ ਮਨ ਉਹ ਰੂਸੀ ਦਾ ਉਹ ਭਾਰਾ ਪੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਇਸਕੇ ਭਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਸਤਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਤੇ ਲੈ ਬਤਾ ਕਈ ਇੱਕ ਦੇ ਵਸਤਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਤੇ ਕਈ ਕੰਦਾ ਵਸਤਰ ਕੰਦਾ ਵਸਤਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬਾਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਲੱਗ ਲੋ ਵਾ ਸਹੀ ਹੈ ਗਲਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੇ ਚ ਕੋ ਪੁੱਛੇ ਪੁੱਛੇ ਚ ਕੋ ਬਸ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਦਮੀ ਜੋ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਦੇ ਜੋ ਅੱਛਾ ਜੀ कुछ और भी हैं छोटे से शब्द क्या लिखवाए। मौजूदा बाबा बाबा देवू राम जी ने अमर आदेश देते हुए कहा कि शनिवार से एतवार तक मौन व्रत ही नामदान कहलाया जाएगा, इसी से सारा काम बन जाएगा, इसी में आत्मा का भला है, उसको काल नहीं पकड़ेगा। आपको पता होगा मौन व्रत भाई जो मौन व्रत जो बाबा जी रखवाया था शनिवार फैलेगी ना साझा भाई 8 बजे आपका लंगर पानी खाएगी ना साझा शनिवार उसके बाद सारी रात भी पड़ेगी है भाई। और का वो जो दिन है दिन एतवार का ही झगड़ा वो मौन व्रत 24 घंटे का झगड़ा कोई नहीं बोलना कोई ना कमरे में बंद रहना है आत्मा का आपके भजन कमरे में करना है कोई आपका भूल चुके उसके प्रायश्चित करना है तो बाल घंटे उसी अंदर ही वो सब कुछ वो देख रहा 24 घंटे में वो ही नामदान है वो ही सारा कर्म हो जाएगा उसकी आत्मा का भला है वो उसको काल भी नहीं पकड़ेगा। भाई जी बाबा जी नामदान ले उठा उठा अपना चिल्लून भजन करते हैं वो तो अभ्यासी है। और जो लोग जिनके पास ये मौन व्रता का हुक्म है तो वो भी ये करी देखो उसका भी फल वो ही बताए। नेम भाई ये नेम सारे रखो ना बोलना है ना कह देना है। हाँ जी नेम तो वो ही रखो नेम बिना क्या बाबा नेम तो रखना पड़ेगा। रोटी पानी कौन खानी भाई के बिंदे ने खाना पानी पानी भी कौन पीनो भारतीय फिर रोटी पानी क्यों मेरा मौन व्रत को मतलब वही हो गया कि की अच्छा जी हां ध्यान दियो जी। अच्छा आगे बताया कि कोई भी प्रेमी जन अगर लड़का या लड़की की शादी में मौजूदा संत या आश्रम के सेवादारों को हुक्मानुसार बुलवाते हैं तो निमंत्रण पत्र के साथ 5100 रुपये भेंट करें और वरमाला डलवाने के लिए लड़के वालों से 3100 रुपये व लड़की वालों से 2100 रुपये लिए जाएंगे। साधन में तेल डलवाना व सेवादारों के लिए श्रद्धा अनुसार कपड़े वगैरह दिए जाने चाहिए, ये नियम पूरे करके अरदास बुलवाएं।
तो ये कुछ लिखवाया बाबा जी, और भी कहते भी और भी इधर बीचा बीचा में कहीं लिखवाने, उसके बाद ये सारे नेम, ये सारी की सारी एक एक सुना के नेम बना के चुना लिस्ट बनाए कि ना हर घर के अंदर होंगे, हर घर से पर्चे देंगे सारी बात तुम्हारे जबर फूला मैं तेरे लिए तेरे हम तो कोई जाने चलो ठीक है बढ़िया समय की बातें हैं ठीक है भाई हां बुलाना तो है मैं सुन ना मैं जरूरी बाबा जी कभी कह कर मत्था टेकी होती सेवा करी एवे करी मैं बलाल सिंह के कह कोई रन जाऊगी तो ही मैं जानी नहीं कुछ नहीं करना नहीं लस्सी मंगी बार पी लस्सी पी के कहना भाई होर लेगा कद टुकर ना ले सर टुकर फटका बनाया करे मन जिंदिया पूरा काम है शर्म भरता थारा पर नो तो दिला दिया नगद हथियार था महसूस किया नो दिलाया देना आकर के मेरा बल को मेरे क्यों भाई तेरा फटका नो किया कसु प्रचार था मैं जुड़ी है थोड़ा ना शान को बस वाह हां तेरी पूरी सही बाबा बाबा मदद लगा कुछ रोटी दाल फेर दिया जाने तेरा बाबा तो कभी ही बच्चे तेरा ही तो बच कोई और सत्संगी किसको कहते हैं? मौजूदा बाबा जी भी फरमाते हैं कि नाम दान लेने तक कोई सत्संग ही नहीं बने, जितनी हमारी परिभाषा हमारे विचार नहीं बदले। मोम मोम होती है, मोम 12 साल उसको पानी में रखो बाहर का दे सूखी सूखती 12 साल 20 साल भी उस पर कोई असर कोई आया ना पानी में शुरू को करना। किसी भी हम मर्दा पर जाते हैं जो हमारी जबान और हमारे होठ हैं ये दबाई किनार आधा घंटा भी मार तो बर्दाश्त नहीं होगी। हम सोच करा कि जिदा या मरेगा इधर ये मुँह मरना है, आधा घंटा भी मार तो 20 मिनट भी मार तो बर्दाश्त नहीं होगा कि हम होठ जीभ बंद करी किनार बैसे। दूसरी बात हूँ किसी प्रकार की कोई मेरी बड़ाई नहीं करना चाहे, बिनती कि हेल्प मदद रिश्तेदार कोई किदा करे बाबा जिया के चरने में गुअर्ज करना चाहूँगा। बड़े भाई चलेगी, बड़े भाई आर्थिक कुछ कमज़ोर थे, बीमार ऐसे पड़े और जिंदगी में कभी बीमारी को पड़े में 3.5 महीने थे लगातार, आखिर उनको जाना पड़े। सवाल मसला इतना एडी का
इतना बड़ा मरीज किदा कवर कर रहे स्कूल घर वाले भाई साहब ने सोचा। बड़े भाइयों को मैं विनती करी कि कम से कम चिक्कू पैसे की परवाह ना है, छोटा मुँह कैंगड़ा शायद मेरी बात किसी को छीने लग गए। भाइया को खून भी देना और तो दिने जो दिने 20,000 रुपये भाइयों को धारे दिन भाइयों को 20,000 रुपये इन्नी दिने भी ये हूँ तेरे किधी भी को लेना नौड़े भाइये दिने साले दिने भी हम किधी भी तेरे को लाना और भी चुको मदद होगड़ी तो हम भी दांगड़े। बाबा जी अब कौन पता गंगूराम जी थे और अन्य थे गाँव के, मैं यही कहा कि हम कोई देशा को न्योतना कहना ही लोटे रोटियाँ छाणा खंडिए ये तो मारते है। आज हम कि तुम बैठे इतने घाव हो कि 13 साल पहले ही मार से दूर हो गए थे। पिताजी आनिए जो हम करया संतें के आज्ञा से करया। इट्ठे मैं उन्होंने कहा मेरे भाजा को भी इट्ठे तुम आए जाओ 1,00,000 रुपया इन्नी ही लगाए दंगड़ा तू था तो धारे भी को लेना पुट्ठे भी को लेना छोटा में ज़्यादा कहीं हूँ नहीं कहें। पचास साल तो हुई कि ब्यासा का नाम जान लिए थे। बाबा गवर्नर जी चले गए, बाबा देबू जी बार बार कहा करता है तेरा संभालो पता नहीं घड़िया में क्या हो जा। ये तो वैसे कितने भी चले जाए अगर पर भारत पर कोई सहायता पर कोई असर ना ही हम सत्संगिया का कोई रूप दिखाए। काल मिस्टू के नहीं कहा ये अगर ये 5 दिन किसी बुजुर्गा पर हो जाओ 5-7 दिन पर ना तो काफ़ी दुनिया में हमारे सांसी समाज में रिश्म बदली गए। वो विनती करंगड़ा जो भी हम सत्संगी हैं उसका हम चूहू दिखाना चाहिए कि हम वाक्य सत्संगी भी हाँ कि ना ही कर वो मोम ही हाँ मोम 20 साल तो बाहर पानी हमारे काटी सूखी सूखी सत्संगिया का रूप तो हम उठी छोटी जाते संभाल रहे भाई तेरा बाबा मेरा घर परिवार मेरा भाई क्या क्या कहता मेरी बहन क्या कहती है मेरा रिश्तेदार क्या कहता है तो वही चाड़े करेंगे जो को आज तक 50 साल हम करा करते हैं। फिर सत्संगिया का हमारा कैसा है। एक ही आदमी ने कहा तो 5 ना कर 12 कर मैं क्या हूँ तेरी मानंगड़ा हूँ तो 1.5 महीना 17 करंगड़ा पर इसका मुश्किल मतलब बताई भाई हूँ 1.5 महीना 17 कर ही लेंगड़ा पर इसका मतलब तो बताई दे हूँ तो 12 कहता हूँ 1.5 महीना कर इसके बुजुर्ग की पुराने की रस्म करोड़ी उन्हें वो करी हम या करी दे बुजुर्ग मारे थे आज थे 50-60 साल पहले इधाई को काम था धंधा था इधाई हाड़ चापते फिरते थी सूख के कड़ी निशाने उतरते थे उनका कोई मकसद ही कोई थी। आज टिप्पणी कुछ करना चाह रहा श्यामलाल जी हैं कहत कोई किसी का ना ही मरे इनके बुजुर्ग हैं कोई ऐसी बाजी जीत तो मेरी एक सत्संगा में सुनोड़ी है ऐ बंदे तेरी जान प्रीतम दे हवाले कर दे नहीं तो जमाने खो लेनी है हूँ तू ही इंसाफ कर ये अच्छा है या वो अच्छा है। मेरा भाई मरी तो गया पक्का होगा सारे दा कहते आवे भी कोई अगले आए तो ये भी आवे की ना जो संते की है वो हम मानना कड़ी न कड़ी मारी ढो तो होगा हमारा सहारा तो होगा। शायद मेरी बात किसी को बुरी लगी हो कि कुर्बानी देनी हमको जरूर है बुजुर्ग कोई भी चला जा हम एक बात कहनी है कि हमको तेरी तरह मान नहीं लगना पीछे भी मगर संतें वाली कहानी जी अगर चलेगी तो 84 लाख जूनिया इधा ही भटकता परमात्मा रोती विनती बार बार हमको किदा किदके कहा संतें थम ब्यास ना जाओ किदके कहा थमो धंधन सतगुरु अग ना जाओ गुरु पंथ ना ही छुड़ाओ वो या कहते कोई म्हारी ढो बनाओ म्हारे समाज जाके काग कुत्ते जैसी तुम्हारा समाज है 1-20 मिनट दांत दबाई के नर कोई बैसा ना मुर्दे पर वो ही कां 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 हमारी कैसी प्रवृत्ति है हमारी कैसी संस्कृति है हमारी कैसी भाषा है
आखिर हम हाँ क्या श्री रामदित्य जी ने बताया ईसाई बनेगी। आपको सारा कुछ पता है हमारे घने भक्तू मुसलमान बनेंगे, रोजे रखते हैं और हजा पर जाते हैं। इसका मतलब रोड खाते हैं, कोई किदा कोई भी लूटी ले जाए। आखिर हम हाँ क्या शायद तो हूँ बुरा बोली का हूँ वो माफ़ी चांगड़ा। हमको यह सोचना चाहिए स्पेशल एक सांसी समाज के हमारे गुरु आए हैं, जो ये आज्ञा करें उनकी हमको मानने की जरूरत है। जो माने वो अच्छा, नहीं माने मोह महंगा और तो क्या लाभ। 50 साल पानी हम रखी लो वही सूखी की सूखी, कोई उसके ऊपर एक रति भरिया का भी सत्संग या हर गुरु में का कोई असर नहीं। समाचार पूरी असंति को मेरी विनती कि लंगर इट्ठी खाई के ना जांगड़े, बाबा जी भी एक घंटा रुकंगड़े और जो भी है बार बार विनती मेरी आज मैं गंगा राम एक घंटा सवा घंटा सारी संत का माफी चाहूँगा। बारह साल 20 साल से ही ब्याज भरते भरते मर जाएंगे। हाँ जी हाँ जी बाबा जी मैं अर्ज़ करांगा 40 साल हो गए साढ़े कमाने, 45 साल 50 साल हो गए कोई सत्संगी का असल रूप तक कोई दिखा नहीं। फिर असं उ पहला कम करिए मंगिए शिकार करिए गंद मंद खाइए जाने हमको सीखना चाहिए ना। मगर सत्संग के बीच रहे हाँ तो सानू साड़ी परिभाषा नेम तो रखो हाँ कोई नेम तो कर लो कुछ तो करिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आज ही करो कोई ठीक है चंगा लगता है करो माड़ा लगता है ना करो बस बस। अरे मारा तो है भी छापड़िया पिटना मारा फस जा की जावन नहीं बाबा जी होगा सुधार क्यों नहीं होता होगा आ होगा धीरे धीरे होगा मारा तो कहना था एकदम छाल मार लियो ऐ कच्चे करके कह दिया करेंगे मानो ना मन सारी मर्जी कभी ना कभी तो वो बीज बीजोड़ा कभी तो उगेगा जो अंदर बीज जाता है ना वो कभी तो बचन का बीज कभी तो उगेगा कभी तो किसी के अंदर वाला मारेगा छोटो पर है एक मान के अंदर सारे मानेंगे फिर किए चल वो एक अंदर होता है सुरमा गाँव में वो मान नहीं गया सारे उसके अंदर भिगना है पीछे तो फिर सारिया फिर अरे भाई तेरा करती हम ये किए ना चलो जान दो अच्छी बात है अच्छी बात है सही सही हार मार भी पहला बड़ी ओके हम भी करा हाल बस इतनी बात है वो रह गया बात थोड़ी सी है बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी शातली है ठीक है सुरमा सुरमा है बिल्कुल तम ये दिन तम याद करे ले सुरमा में शुरुआत करे सुरमा ये फिर भर नाम पहले करते ये वो बात हो गया मेरे साथ क्या क्या होया तुमको बताइए आप पहली बार करें ये सारे रिश्तेदार फांसी के साथ तो दिए मरने परने में कोई बुलाए ना आज तक मिले ना ही वो आज तक नहीं बल्लू साकी मारे साकी बल्लू आई का वो बुद्धि उसकी दिमाग है वो पुरानी रीति रिवाज का घुसोड़ गया ना मान की परंपरा होड़े होड़े माननी चतगुड़िया खाए माननी वो भी जाए कैसा छुरा है अच्छी करता भारी करे ही नहीं इनके हमारे कम से कम ना है तो